संदेश देती है ह्यूमैनिटी का और दोनों धर्मों को, कि कोई धर्म यहाँ पर धर्म डिसाइड होते हैं सारे आके, कोई धर्म ऐसा नहीं होता। और एक मुस्लिम लड़की को गीता की तरफ लेके आना, इस तरह की फिल्म है जो कि दोनों धर्मों को एकजुट होने का, कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, और क्रिश्चियनिटी की बात करें तो सारे धर्म लगभग एक ही संदेश देते हैं। और धर्म कभी भी तोड़ता नहीं, धर्म हमेशा जोड़ता है। भाषा पे आधारित तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा कि वो ऑडियंस हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ उसका अंश मिलता होगा। और हम अभी तक की जो फिल्में चंबल पे और आसपास ब्रिज के क्षेत्र में जितनी आई हैं, जो कहीं ना कहीं सक्सेस भी रही हैं, तो उनको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी कहानी ज़रूर सोचेंगे बनाएंगे जो यहाँ पर शूट हो और कुछ यहाँ के कलाकारों को भी उसमें काम मिले, बाकी इंडस्ट्री के लोग तो करेंगे। थैंक यू सो मच। इमोशनल अटैचमेंट है, प्लस जो इशू जिस इसमें हम लेके आए वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि किस तरह से एक लड़की का स्ट्रगल है और उसकी माँ उसको किस तरह से सपोर्ट करती है इमोशनली। और उसकी माँ जो कि कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ नाजिया का, वो बहुत ही स्ट्रांग औरत है, एक विडो है, और वो किस तरीके से अपनी बेटी को चाहती है कि वो एक स्ट्रांग पर्सन बने और हिम्मत से रहे, और साथ में वो उसे ये सिखाती है, अच्छी वैल्यूज़ देती है कि कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे धर्म अच्छे हैं, बराबर हैं। तो उस तरीके से वो किस तरह से, वो उसकी जर्नी है कि किस तरह से वो अपनी बेटी को वो जर्नी के तहत वो लेके जाती है।